हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका हमारे शो में। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में फिल्म जगत की दो हस्तियां जो है उनका इंतकाल हुआ है। वो आज हमारे बीच नहीं है, इरफान खान जी और ऋषि कपूर जी। दोस्तों, ये जो आज हमारे पिछले 24 घंटे में जो घटना घटित हुई है, ये हमको एक संदेश भी देती है कि मौत जो है हिंदू और मुसलमान नहीं देखती, तो इस बात पे गौर करिएगा दोस्तों। और इससे हमको बहुत ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत का जो नियम है दोस्तों, वो उसमें शामिल है जिंदगी और मौत। एक कुदरत का नियम है जो प्रकृति ने बनाया है, हम इस जन्मे हैं तो एक दिन हमारा अंत भी होना है। तो दोस्तों, जो आज हमारा शो भी है वो कुदरत के नियम के ऊपर ही है। दोस्तों, आज कोरोना वायरस की वजह से देखिए पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग घरों में कैद हुए हैं। उसके ऊपर भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने को मिलेगी कि कुदरत के नियम से हमने क्या छेड़खानी किया और आज हमको इसके कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी जो शायद आपको कहीं से ना मिली हो। प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, आइए जानते हैं प्रकृति के क्या नियम है और इसकी समझ हमारे अंदर होगी तो हमको बहुत सारी आसानी होगी और हमारे जो काम है जो बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो कुदरत के नियमों की समझ क्या है? सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल जो है कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है, या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थाई स्टेटस को की कोई गुंजाइश नहीं होती दोस्तों। अगर लग रहा होगा आपको कभी हम स्थाई हैं, तो वो आपके फ्यूचर के लिए हो सकता है बिगड़ रहा हो। अभी लग रहा है अगर आपको स्थाई हैं, हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा लग रहा हो, अच्छा हो रहा हो, लेकिन अभी आपको परमानेंट नहीं रह सकते। आप चाहे या ना चाहे बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा दोस्तों। अभी 2 महीने पहले कोई सोच सकता था कोरोना वायरस आएगा, ऐसा सब कुछ होगा, तो बदलाव ऐसे ही होता है। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है। हम कोई भी तरक्की करते हैं, पहले बहुत सारे मोबाइल छोटा सा आया, फिर रंगीन आया, फिर स्मार्टफोन आया, बहुत सारे, तो तरक्की हो ही रही है ना। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर आप बदलाव आपकी जिंदगी में तरक्की लेकर ही आए। अभी देखिए एक बदलाव हुआ, लॉकडाउन हो गया, लेकिन ये बदलाव आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं ले आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमें बदलावों का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। जो भी चेंज आपकी जिंदगी में आते हैं उसको आपको वास्तव में तौलना चाहिए हर कसौटी से। जब आपको वाजिब लगे तभी उस बदलाव को कबूल करना चाहिए। यह अच्छे आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भी निशानी है। कोई आपके साथ फोर्स करके कोई आपको बदल दिया तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सही नहीं रह जाएगा। चलिए परंपरा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है। अभी लोग केवल तरक्की, हमको गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, किसी भी चीज़ चाहिए, मुझे तरक्की करना है एन के प्रकार एन, तो ऐसा नहीं है। सही मामलों में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और काम और नतीजे के रिश्ते को समझना होगा दोस्तों। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि बोने और काटने का क्या सिद्धांत है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है कि हमें पहली जो रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। अगर कुछ आपको फसल पैदा करनी है तो पहले इच्छा होगी आपको खेती करनी है। दूसरा, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आलू बोएंगे तो आपके पास आलू आएगा, टमाटर बोएंगे टमाटर आएगा। आलू बो के आप टमाटर की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा, पाने से पहले दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पहले काटने से पहले आपको बोना पड़ेगा, पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी में से गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। भट्टी गर्मी तभी देगी जब हम उसमें कोयला डालेंगे, ईंधन डालेंगे।
कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। जब हम कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। एक बीज आपका बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक आप फसल काटते हैं। अगर आप सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो सकारात्मकता फसल काटेंगे, अगर आप नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो नकारात्मकता फसल काटेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज कि जो आप बीज बोते हैं वो कई गुना बढ़ के आपको मिलती है। अगर आप अच्छे कर्मों अच्छे व्यवहार का बीज बोएंगे तो वो आपको बहुत बड़ा कई गुना होके मिलेगी। अगर आप बुरे कर्मों बुरे व्यवहार का बीज बोएंगे तो आपको वो भी बहुत ज्यादा मिलेगा। आप वो तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि दोनों फसलों की कई गुना वृद्धि करते हैं। अगर सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, जो भी बीज आप बोएंगे वो कई गुना होके आपके पास लौटेगी। और अब बोने और काटने का जो पांचवा सिद्धांत है, किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है, किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। ये भी बोने और काटने का कि आप जानते हैं कि जब आप बीज बोएंगे उस दिन आप फसल नहीं काटेंगे, उसमें कुछ वक्त लगेगा, वो टाइम आपको देना पड़ेगा। छठवां सिद्धांत है, हम अगर कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। ऐसे ज्यादा अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ बहुत ज्यादा होकर रिटर्न होगी। अगर हम कम अच्छा कर ज्यादा बुरे कर्म करेंगे तो वो भी हमारे साथ बुरे होकर रिटर्न होगी। यह भौतिक विज्ञान फिजिक्स के नियम जैसा ही है। हर क्रिया एक्शन की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है दोस्तों। तो आपको अपने दिमाग में जो है, हमारा दिमाग भी जो होता है बगीचे की तरह होता है, इसमें हमेशा सकारात्मकता के विचार आपको हमेशा भरते रहने चाहिए, जिससे आपको नकारात्मकता से दूर रहना पड़े। इंसान का दिमाग भी एक उपजाऊ भूमि होता है, बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। और वर्तमान समय में जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे, इसलिए सकारात्मक विचारों और अच्छी संगत के द्वारा निराई का काम हमेशा जारी रहना चाहिए दोस्तों। हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह हैं। जो भी हम सोचते हैं वो ही हमारा नतीजा तय करती है दोस्तों। अब फ्रेंड्स आगे हमारे विचार किस चीजों की वजह बनेंगे ये इस पे देखते हैं। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसे ही कर्म फलता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा करेंगे, इसका कहने का मतलब जैसा आप विचार करेंगे वैसा आप करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप कर्म करेंगे। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी, जो चीज बार बार करेंगे वैसी आपकी आदत हो जाएगी। और आदत का बीज जब आप बोएंगे, जब आपकी वो आदत पड़ जाएगी, जब बार बार वो आदत दोहराएंगे तो वही आपका चरित्र बन जाएगा। जो आपका गलत आदत बन गई है तो बार बार आप उसको दोहराएंगे तो आपका गलत चरित्र बन जाएगा, कैरेक्टरलेस आप हो जाएंगे। अच्छी आदत बनी है तो आप उसको बार बार दोहराएंगे तो लोग आपकी बड़ाई करेंगे। चरित्र का बीज जब आप बोएंगे तो किस्मत आपकी वैसी फलेगी। जैसे आपका चरित्र रहेगा वैसे आपका भविष्य बनेगा, वैसे आपकी किस्मत बनेगी। और इन सब की शुरुआत किससे होती है दोस्तों? एक विचार से। जो विचार आप अपने दिमाग में बोते हैं, अपने दिमाग के बगीचे में बोते हैं दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कुदरत का दूसरा नियम जो होता है, आकर्षण का नियम। पहला नियम कुदरत का क्या हुआ कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। और बोने और काटने का हमने प्रोसेस भी आपको बताया, ऐसा नहीं कि बो दिए और काट दिए। बोने और काटने के 6 नियम होते हैं, उसको आपको बताएं। अब आकर्षण का नियम, ये एक नियम कुदरत का है। हम उन चीजों की ओर आकर्षित नहीं होते जिन्हें चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैं उल्टा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये सब प्रमाणित चीजें हैं। हम उन चीजों के लिए आकर्षित नहीं होते जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीजों को और आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी ही होती हैं। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है कि चोर चोर मसोरे भाई। चलिए दोस्तों, ये अगले टॉपिक जो है, आपने गौर किया होगा कि सामाजिक समारोहों में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी शादी विवाह में देखिए तो एक कैटेगरी के लोग आपको एक झुंड में मिलेंगे, दूसरी ओर असफल लोग असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और आपस में शिकवा शिकायतें अपने
जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये कुदरत के नियम थे, इसको हमने मैंने भी बुक्स लिया था। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक करिएगा।